तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात करते हैं कलर चिप्स न्यू वीडिया के स्टॉक की। और इस स्टॉक में बड़ी गिरावट चल रही है। 4.91% की गिरावट के साथ ये स्टॉक अब 5.04 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका एनालिसिस करेंगे, देखेंगे फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या कह रही है, सपोर्ट लेवल क्या है और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो आने वाले टाइम में कहां तक इस स्टॉक में गिरावट हो सकती है और आपको अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, सो सारे डिटेल एक एक करके जानेंगे, लेकिन एंड तक ज़रूर हमारे वीडियो को ध्यान से सुने। दोस्तों, नए आए हो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल का हमारा जो पर्पज़ है वो यही है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। हमारे देश में लोगों में बहुत ही कम अवेयरनेस है, लोग बहुत ही कम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, पैसा ख़त्म होने का डर रहता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप कुछ प्रिकॉशंस यूज़ करोगे, स्टॉक का एनालिसिस करके किसी स्टॉक में निवेश करोगे, तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो आइए पहले कलर चिप्स का एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसी को चेक कर लेते हैं। जून क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है 1.81 आया है, जबकि लास्ट ईयर जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1.87 था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लाइट रिडक्शन देखने को मिली है, ज़्यादा रिडक्शन नहीं है, स्लाइट रिडक्शन है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। क्योंकि मार्च 23 में कंपनी का जो रेवेन्यू था दैट वाज 0.93, लेकिन जून 23 में ये बढ़ के 1.81 हो गया है। तो एक तरह से मिक्स ट्रेंड है, चलो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर फ्लैट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट की, क्योंकि ये तो रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू से कंपनी कुछ टैक्स भी पे करती है, कुछ अपना एक्सपेंस पे कर देती है, उसके बाद कंपनी के पास प्रॉफिट क्या बचता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम टाइप का पैटर्न है, जून 22 के मुकाबले जून 23 में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो कम हो रहा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, एक तरह से मिक्स ट्रेंड है, क्योंकि दोस्तों जून 22 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो ज़्यादा था, लेकिन अब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है, जीरो जीरो बेसिस पे नेगेटिव नंबर देखने को मिले हुए हैं, अब कंपनी लॉस में चली गई है। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस चार्ट को ध्यान से स्टडी करो, मार्च 23 में कंपनी के पास 1.87 करोड़ का लॉस था, जबकि जून 23 में कंपनी का लॉस रिड्यूस होकर -0.81 करोड़ रह गया है, मतलब 18 लाख के अराउंड कंपनी का लॉस रह गया है। तो एक रिकवरी जरूर देखने को मिली हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती है, जब तक कंपनी लॉस से निकलकर प्रॉफिट में नहीं आती है, तब तक इसके स्टॉक में भी प्रेशर रह सकता है, तो ये स्टॉक और भी ज़्यादा गिर सकता है। इसलिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा अलर्ट ही रहें तो बेटर है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो जरूर, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी एक फिल्म प्रोडक्शन में काम करती है। लास्ट 6 मंथ का डाटा देखो, ये कंपनी का स्टॉक जो है 51% के हिसाब से गिर गया है। 1 ईयर में भी इस स्टॉक में जो है गिरावट है, 77% की गिरावट है, जबकि 5 ईयर्स में देखो इसका चार्ट पैटर्न 67% की गिरावट शो कर रहा है। तो यदि इसका सपोर्ट लेवल देखें, क्योंकि पहले जो सारे सपोर्ट है वो टूट चुके हैं, पहला इसका 7.40 का सपोर्ट था वो टूट चुका है, 5.60 का लेवल टूट चुका है, अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है ना वो 4.40 से लेके 50 के बीच में है, ये आप ध्यान से नोट कर लो। अब इस लेवल पर आपने फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों यदि ये स्टॉक ये वाला जो लेवल है उसको डिफेंड कर लेता है, मोटा मोटा आप कह सकते हो 4.40 से लेके 50 के बीच में इसका जो है वो एक सपोर्ट जोन है यहाँ तक, तो यदि ये स्टॉक इस लेवल को डिफेंड कर लेता है तो एक रिवर्सल का चांस बन सकता है, क्योंकि नंबर्स इतने भी ख़राब नहीं हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जरूर नंबर्स नेगेटिव हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के नंबर्स में रिकवरी है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का रेवेन्यू जो है नियरली फ्लैट है, लेकिन मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यदि कंपनी अपने मार्जिन को इम्प्रूव कर लेती है, क्योंकि दोस्तों अब कंपनी क्या करेगी, क्योंकि मार्जिन नहीं जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, एक्सपेंस बढ़ा है, जिसके कारण कंपनी की इनकम रिड्यूस हुई है। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी मार्जिन लेवल पे काम करेगी, कॉस्ट कटिंग पे काम करेगी, अपनी कॉस्ट को कट करेगी, जैसे भी करेगी, तो आने वाले टाइम में यदि कंपनी अच्छी है तो वो जरूर रिकवरी करेगी। तो कलर चिप्स कंपनी जो है वो अच्छी कंपनी है, फिल्म प्रोडक्शन में काम करती है, शॉर्ट टर्म में जरूर अभी दिक्कतें इस स्टॉक पे लग रही हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यदि रिकवरी देखें
तो बहुत ही बढ़िया है। कंपनी के रेवेन्यू में भी और कंपनी के प्रॉफिट में भी, इनकम में भी अच्छी रिकवरी हो रही है। ये ब्लू कलर में इसका रेवेन्यू है, ये इसकी नेट इनकम है। तो इनकम भी ग्रो हो रही है, बहुत ही बढ़िया ट्रेंड है, और कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, ये एक अच्छी बात है।